कई सारे हमारे देश के ऐसे जो बेसिकली सिपाही हैं, ऐसे बहादुर सैनिक हैं जिनको यहाँ पर अवार्ड दिए जाते हैं इस पर्टिकुलर उपलक्ष्य में, तो उनके बारे में मैं आप लोगों से बात करूंगा बेसिकली कि ये फूट डालो शासन करो वाली नीति आज तक भी फॉलो करते हुए नजर आते हैं। ठीक है, इसी के साथ में कर्नल मनप्रीत सिंह है यहाँ पर, जिनको कीर्ति चक्र से नवाजा जा रहा है यहाँ पर। ठीक है, राइफलमैन रवि हो गए यहाँ पर, और इसी के साथ में हुमायूं। तो ये चार पर्सन है जिनके नाम आप लोग यहाँ पर याद रख सकते हैं। तो इसको लेकर अभी हो सकता है कि आने वाले टाइम में आप लोगों को देश के कानून में कुछ चेंज होते हुए नजर आए। तो ये बेसिक भी है और इम्पोर्टेंट भी है, तो इसके ऊपर में स्टार लगा लेना, फ्यूचर में भी यहाँ से क्वेश्चन बनते हुए आप लोग यहाँ पर नजर आए। कई सारे हमारे देश के ऐसे जो बेसिकली सिपाही हैं, ऐसे बहादुर सैनिक हैं जिनको यहाँ पर अवार्ड दिए जाते हैं इस पर्टिकुलर उपलक्ष्य में, तो उनके बारे में मैं आप लोगों से बात करूंगा यहाँ पर। इसके बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को दूंगा जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। कीर्ति चक्र जो दिया गया, चार कीर्ति चक्र दिए गए यहाँ पर, जैसे कि मेजर मल्हाराम गोपाल नायडू। ठीक है, तो यहाँ पर ये 56 राष्ट्रीय राइफल के साथ में कनेक्टेड थे यहाँ पर। ठीक है, जो कि काउंटर जो टेररिज्म जो ये एक तरीके से नहीं, फिर भी वही देखने को मिलेगा मैक्सिमम लोगों की, आप लोगों को देखने को मिलेगा लोगों ने अपने ऑपरेशन चलाए या फिर उनकी जान गई है उसी टाइम पर गई है जब सामने से यहाँ पर पाकिस्तान की तरफ से टेररिज्म फैलाया जाता है। कभी कभी तो यार लगता है, अंदर से फील आता है, मैंने कहा अगर ये आज की डेट में जो अंग्रेजी हरकतें करके न गई, ये रायता फैला के ना जाते, दोनों देशों को डिवाइड करके इस तरीके से ना जाते, तो सोच के देखो हमारी कितनी एनर्जी, कितने रिसोर्सेज, कितनी लार्ज स्केल पर हमारी जो मैन पावर है वो आज के डेट में बर्बाद होती है ओनली इस चीज को, इस गंदगी को साफ करने के लिए एक दूसरे के साथ में यहाँ पर हम लोग लड़ते हुए नजर आते हैं। ठीक है, तो ये ग्राउंड लेवल की मतलब घटिया हरकत की जाती है अंग्रेजों के द्वारा, ये पुराने टाइम से यहाँ पर ये चीजें करते हैं। और इसी के बारे में आप लोगों को पता भी होगा, इसी के बारे में बोला भी गया था बेसिकली कि ये फूट डालो शासन करो वाली नीति आज तक भी फॉलो करते हुए नजर आते हैं। ठीक है, इसी के साथ में कर्नल मनप्रीत सिंह है यहाँ पर, जिनको कीर्ति चक्र से नवाजा जा रहा है यहाँ पर। ठीक है, राइफलमैन रवि हो गए यहाँ पर, और इसी के साथ में हुमायूं। तो ये चार पर्सन है जिनके नाम आप लोग यहाँ पर याद रख सकते हैं। शौर्य चक्र जो है वो 18 को दिया गया है, तो नाम उनके बहुत ज्यादा हो जाएंगे। ठीक है, तो याद रखिएगा। और चार को पोस्टमसली दिया गया है, पोस्टमस मतलब जान जाने के बाद में उनको यहाँ पर उन्होंने अपनी शहादत दी है, और उसके बाद में उनको यहाँ पर इस पर्टिकुलर अवार्ड से नवाजा गया है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर दूसरी के साथ में रेसिपिएंट में दो अवार्ड आप लोगों को नेवी के देखने को मिलेंगे, दो अवार्ड आप लोगों को एयरफोर्स के, और पांच अवार्ड जो है वो सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स CAPF। ये सबसे ज्यादा खतरनाक पुलिस फोर्स है हमारे देश के अंदर में, अगर पैरामिलिट्री पुलिस फोर्स के बारे में बात करते हैं, क्योंकि जितने ऑपरेशन इंटरनल देश के अंदर में चलाए जाते हैं वो यहाँ पर इन्हीं के द्वारा चलाए जाते हैं। तो ये आप लोग यहाँ पर जरूर याद रखेगा। तो ये काफी एक तरीके से इंपॉर्टेंट फोर्स आती है यहाँ पर, खासकर ये आप लोग बोल सकते हैं कि नहीं सर पर कफन बांधकर चलते हैं ये लोग, वो वाली फोर्स आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो इसके बारे में भी एटलीस्ट आप लोग यहाँ पर ये चीज याद रखिएगा। कई बार आप लोगों से इस तरीके के, कई बार ना मुझसे कई सारे बच्चे पूछते रहते हैं कई बार इस तरीके के क्वेश्चन भी, कई बार कमेंट बॉक्स में, कि आज की डेट में जैसे नहीं यहाँ पर ये इसके फॉर्म आते हैं असिस्टेंट कमांडेंट के, तो उसमें एक बच्चे ने कई बार पूछा भी था, ये पहले पूछा था कि सर इसमें कौन सा सबसे पहले भरे, कौन सा सबसे बाद में भरे। तो यार देखो ये सारी ना चीजें आप लोगों के हिसाब से रहती है। मान लीजिए आप लोगों को इन्हीं फोर्स के अंदर में जाना है, तो आप लोगों का क्राइटेरिया कुछ और होगा कि यार हाँ बस इन्हीं के अंदर में जाना है। दूसरा है कि आप लोगों को बस फिलहाल के लिए कोई एक पोस्ट चाहिए यहाँ पर, ताकि आप लोग फ्यूचर के लिए फिर से स्टडी कर सकें, तो फिर आप लोगों का क्राइटेरिया कुछ और होना चाहिए। तो इस तरीके से आप लोग अपने क्राइटेरिया डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये अगर आप लोग इसको चाहें तो अपने हिसाब से आप लोग इस तरीके से इसको डिसाइड कर सकते हैं। तो ये कहीं ना कहीं मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप लोग यहाँ पर इसको फुलफिल कर सकते हैं। ठीक है, अभी मैं जो बताऊंगा उसको थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। इनको यहाँ पर मैंने अभी बात करी कीर्ति अवार्ड के बारे में। ठीक है, तो ये कीर्ति अवार्ड के बारे में बात करी, और इसी के साथ में शौर्य चक्र। तो यहाँ पर ये कीर्ति और शौर्य चक्र के बारे में बात की। तो ये कहाँ कहाँ पर आते हैं, कैसे कैसे आते हैं, और रिसेंटली अभी कॉन्ट्रोवर्सी भी हुई थी आप लोगों को पता है यहाँ पर। ठीक है, जो अभी हमारे जो देश में शहीद को यहाँ पर एक अवार्ड दिया गया था, और उनकी वाइफ जो है वो उनके जो पेरेंट्स को छोड़कर चली गई, तो ये काफी बड़ी कॉन्ट्रोवर्सी हो गई थी कि जो ये अवार्ड दिए जाते हैं इस अवार्ड के अंदर में जो पैसा यानी कि मनी दी जाती है, तो यहाँ पर ये पूरा का पूरा फिलहाल प्रेजेंट टाइम पर ऐसा कानून है कि वो वाइफ के पास ही जाएगा सारा का सारा। तो इसको लेकर बहुत बड़ी कॉन्ट्रोवर्सी हो गई थी कि आखिर वाइफ के पास ही क्यों जाना है। पेरेंट जो है मतलब माँ ने उस बच्चे को 9 महीने पेट में रखा है, उसके बाद में यहाँ पर उन्होंने 18 से 20 साल तक उस इंसान को जो है पाल पोस कर बड़ा किया है, पढ़ाई लिखाई सारी की है। उसके बाद में एक एक बेसिकली महिला जिसके साथ में उसकी शादी हो गई है, वो महिला जो है अपने घर परिवार को छोड़कर यहाँ पर आई है, वो उसके साथ में पूरी जिंदगी रहने के लिए,
तो वो भी अपनी जगह पूरा सही है। तो मतलब दोनों का कंट्रीब्यूशन कोई कम थोड़ी ना है, मतलब एक तरीके से पेरेंट्स का कंट्रीब्यूशन अगर देखोगे, हालांकि हमेशा पेरेंट्स का कंट्रीब्यूशन ज्यादा रहता है, वो आप लोग अगर कंपेयर करोगे उसमें माँ का कंट्रीब्यूशन तो नेक्स्ट ही लेवल का रहता है कि पेट में रखा है 9 महीने बच्चे को। तो यहाँ पर अगर पेरेंट्स को और यहाँ पर वाइफ को अगर कंपेयर करोगे, तो यहाँ पर ये मांग उठा रही थी कि भाई कम से कम 50-50% यहाँ पर जो है चीजें वो है शेयर होनी चाहिए अगर वाइफ जो है वो पेरेंट्स को छोड़कर जाती है। तो ये बात यहाँ पर बोली गई, मतलब कहने का यहाँ पर ये कि अगर एक तरीके से आप लोग सोच के देखो, अगर इस तरीके की कोई कंडीशन बनती है तो यहाँ पर पहले तो ऐसी कंडीशन यार बननी नहीं चाहिए अगर नॉर्मली देखा जाए, ठीक है। उनको उनके पेरेंट्स खुद ही ये कह रहे थे कि हाँ हम खुद ही शादी करा देंगे हमारी बेटी, हम भी नहीं चाहेंगे कि अभी अभी उम्र ही क्या है। तो ये चीजें आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल रही थी। तो बाकी जो भी है वो सारी अंदर की बातें हैं। तो दोनों की यहाँ पर कहीं ना कहीं एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं कि दोनों के लिए यहाँ पर दोनों का हक बनता है उनके ऊपर में। तो इसी तरीके से अगर कोई मेडल जाना है तो कम से कम 2 मेडल यहाँ पर उनका दे देना चाहिए अगर कोई ऐसी कंडीशन बनती है, ठीक है। और जो भी यहाँ पर अगर यहाँ पर कोई रिवेन्यू के पॉइंट ऑफ से अगर कुछ हेल्प प्रोवाइड कराई जा रही है तो उसका भी डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इसी तरीके से यहाँ पर होना चाहिए। तो ये बातें आप लोग यहाँ पर बोल सकते हो। तो इसको लेकर अभी हो सकता है कि आने वाले टाइम में आप लोगों को देश के कानून में कुछ चेंज होते हुए नजर आए, क्योंकि ये कोई ऐसी नहीं कि कोई फर्स्ट टाइम कॉन्ट्रोवर्सी थी यहाँ पर, ये इससे पहले भी इस तरीके की कॉन्ट्रोवर्सी यहाँ पर हो चुकी है कि यहाँ पर किसी पर्टिकुलर जवान की, किसी पर्टिकुलर ऐसे हमारे देश के अंदर में ऑफिसर की उसकी जान चली गई, किसी पर्टिकुलर ऑपरेशन में शहादत बेसिकली हुई, एक तरीके से प्राण न्योछावर कर दिए। और उसके बाद में फिर इस तरीके के जब केस निकल कर आते हैं तो ये दुख दुखाते हैं, ऐसा लगता है कई बार। तो जो अगर वो बंदा ऊपर से देख रहा होगा तो क्या सोच रहा होगा बेटा वो बंदा है कि यार क्या ही था बस जिंदगी है, कि क्या कर रहे थे, क्या किया और क्या हो गया, मतलब। तो मतलब अंदर से ये कह रहा होगा, यानी वैसे वैसे कुछ दिक्कत नहीं हुई होगी वैसा, पर उस दिन जरूर रो दिया होगा बंदा बैठ के अगर ऊपर से देख रहा होगा, ठीक है। तो ये चीज आप लोग समझ सकते हैं। तो यहाँ पर वॉर टाइम गैलेंट्री अवार्ड और पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड दो कैटेगरी में ये आप लोगों को देखने को मिलेंगे, एक है परमवीर चक्र, दूसरा है महावीर चक्र और तीसरा है वीर चक्र। तो यहाँ पर ये कैटेगरी याद रखेगा, ऊपर आता है परमवीर चक्र, ये हाईएस्ट कैटेगरी है, जैसे नहीं सिविलियन कैटेगरी में आप लोग बोलते हैं भाई साहब भारत रत्न, तो ये परमवीर चक्र जो है ये आर्मी का भारत रत्न आप लोग बोल सकते हो, इस कैटेगरी का अवार्ड है ये, इतना हाईएस्ट लेवल का अवार्ड आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है। दूसरे नंबर पर आप लोगों को देखने को मिलेगा यहाँ पर महावीर चक्र, और तीसरे नंबर पर आप लोगों को देखने को मिलेगा वीर चक्र, ठीक है। देखो वीर हो गया सबसे छोटी कैटेगरी में, वीर के आगे लग गया महावीर और फिर लग गया परमवीर, यानी कि परम कर्तव्य से ऊपर कुछ ही नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से याद रखिएगा वीर, महावीर और परमवीर, ठीक है। तो इससे आप लोग इनकी क्रोनोलॉजी याद रखने में आप लोगों को हेल्प मिलेगी, तो ये आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं, ठीक है। शौर्य चक्र हो गया, कीर्ति चक्र हो गया, अशोक चक्र हो गया, स्पीच स्टार्ट हो गई है प्राइम मिनिस्टर साहब की सुन लेना हो तो मिल जाएगी, देख लो, या तो यहाँ ये तो उनकी स्पीच सुन लो या फिर यहाँ पर वीडियो देख लो, बाद में रिकॉर्डेड तो दोनों मिल जाएंगे आप लोगों को, तो जो भी सुटेबल लगे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर आप लोगों को स्पीच सुननी है तो स्पीच सुन लीजिए, और अगर आपको वीडियो देखनी है तो वीडियो देख लीजिए, जैसे भी आप लोगों को सुटेबल लगे और उसी के हिसाब से, पर दोनों देखनी जरूर है ये ध्यान रखना, ठीक है। या इसको बाद में देख लेना या उसको बाद में देख लेना, अभी लेक्चर चल रहा है तो लेक्चर अगर करना हो तो लेक्चर कर लो, बाकी मतलब जैसे भी आप लोगों को सुटेबल लगे अपने हिसाब से कर लो, ठीक है। बाकी मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा, ये लेक्चर कंप्लीट करता हूँ, ठीक है, क्योंकि मुझे बाद में रिकॉर्डेड सुननी है, मुझे तो सुननी है, ठीक है। तो मैं तो रिकॉर्डेड सुनूंगा बाद में, अभी लेक्चर कंप्लीट करते हैं, ठीक है। परमवीर चक्र, महावीर चक्र, इसके बारे में याद रखना। तो अभी यहाँ पर जो दिया जा रहा है ये है यहाँ पर कीर्ति और शौर्य चक्र, तो इसके बारे में आप लोग यहाँ पर याद रखेगा। इनको लेकर अगर थोड़ी सी हिस्ट्री भी मैंने आप लोगों को बताऊं तो थोड़ा सा इसके बारे में क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछे जा सकते हैं, जैसे पोस्ट इंडिपेंडेंट, ये आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं इसको। ये फर्स्ट थ्री जो गैलेंट्री अवार्ड है जिनको परमवीर, महावीर और वीर चक्र के नाम से जाना जाता है, 26 जनवरी 1950 में ये इंस्टीट्यूट किए गए थे। और देखो बेसिकली इससे यहाँ पर मिलना स्टार्ट हो गया और इफेक्टिव किया गया था यहाँ पर इनको, एक तरीके डिमांड की गई थी कि इस तरीके से होना चाहिए और फिर हम लोगों ने इनको इफेक्ट कर दिया था आगे इम्प्लीमेंट कर। इससे पहले यहाँ पर इनको अशोक चक्र क्लास 1, अशोक चक्र क्लास 2 और अशोक चक्र क्लास 3, ये इस तरीके से भी यहाँ पर आप लोगों को नाम देखने को मिलते हैं, ठीक है। ये अदर थ्री कैटेगरी ऐसी है जिनके नाम आप लोगों को आगे देखने को मिलेंगे फिर, ठीक है। यहाँ पर आप लोग समझ सकते हैं, ये फिलहाल के टाइम पर जो नाम है वो आप लोगों को नाम याद रखने, ठीक है। इसी के साथ में अशोक चक्र, कीर्ति चक्र, सूर्य चक्र, ये आप लोगों को देखने को मिलते हैं, ये रीनेम किए गए यहाँ पर। जैसे मैंने बताया ना कि इनके नाम पहले कैसे थे, तो पहले अशोक चक्र यहाँ पर इस तरीके से, फिर इनके नाम इस तरीके से यहाँ पर चेंज किए गए। तो जिस तरीके से रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से फिर यहाँ पर चीजें भी चेंज होती है आप लोगों को नजर आती है। तो ये बेसिक है जो कि आप लोग यहाँ पर याद रखते हैं, इसको लेकर आप लोगों के मन में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए।
बाकी अगर आप लोगों से ये क्वेश्चन अभी रिसेंटली एक स्टेट पीसेस में पूछा गया, मुझे ऐसा लगा स्टेट पीसेस वाले आजकल ना ज्यादा ही वो हो गए हैं, ठीक है। पहले वीर फिर पीएम, तहे दिल से धन्यवाद। तो यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा, मुझे लगता है स्टेट पीसेस वाले कुछ ज्यादा आज की डेट में चालू हो गए हैं, उन्होंने क्वेश्चन अभी ऐसे पूछने लगे जो कि कई बार मुझे ऐसा लगता है कि यूपीएससी के लेवल से भी ऊपर चले जाते हैं कई बार। तो वो अभी उनके द्वारा पूछा गया, प्रेसिडेंट पूछ लिया गया ऑर्डर कि यहाँ पर अगर इनको लगाएंगे तो सबसे ऊपर कौन आएगा। तो यहाँ पर याद रखना, परमवीर के बाद में जो परमवीर चक्र हो गया उसके बाद में अशोक चक्र आएगा। तो इनको जब आप लोग कंपेयर करोगे, जैसे यहाँ पर चलेंगे जैसे परमवीर पहले नंबर पर हो गया, ठीक है, फिर अशोक चक्र दूसरे नंबर पर हो गया, तो इस तरीके से आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से जब आप लोगों से कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो यहाँ पर ये इस तरीके के ऑर्डर आप लोगों को जरूर पता होने चाहिए, क्योंकि आप लोगों ने देखा ना अभी रैंक पूछ लिया आप लोगों से, मतलब समझ रहे हैं आप लोग, मैं कभी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि यूपीएससी वाले प्रीलिम्स के अंदर में आप लोगों से रैंक पूछेंगे। तो ये तो मतलब अनप्रिडिक्टेबल क्वेश्चन था बिल्कुल, मैंने कहा यार ये तो एसएससी के क्वेश्चन होते हैं यार, उस वो वाली फीलिंग आ रही थी। पर लेकिन उन्होंने पूछा है ये वाला क्वेश्चन, आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ से भी वो आप लोगों से क्वेश्चन पूछ लेंगे। तो पहले नंबर पर आप लोगों का परमवीर चक्र हो गया, दूसरे नंबर पर आप लोगों का अशोक चक्र हो गया, तीसरे नंबर पर आप लोगों का महावीर चक्र हो गया, इस तरीके से याद रखना है, चौथे नंबर पर कीर्ति चक्र हो गया, पांचवें नंबर पर वीर चक्र हो गया और छठे नंबर पर शौर्य चक्र हो गया। तो इस तरीके से ये सी डी ये जेड बनता हुआ आप लोगों को नजर आएगा। तो ऐसे ऐसे आप लोगों यहाँ पर याद रखने, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके के प्रेफरेंस जो रहते हैं इनका जो प्रेसिडेंस रहता है कि सबसे जो कैटेगरी है उसमें किस तरीके से चीजें आ रही है, तो ये चीजें आप लोग यहाँ पर कनेक्ट करके देख सकते हैं, ठीक है। तो ये बेसिक भी है और इम्पोर्टेंट भी है, तो इसके ऊपर में स्टार लगा लेना, फ्यूचर में भी यहाँ से क्वेश्चन बनते हुए आप लोग यहाँ पर नजर आएंगे, ठीक है। इसी के साथ में यहाँ पर अगर थोड़ा सा और आगे बढ़े, यहाँ पर ये आप लोग को देखने को मिलेगा और भी कई सारे इसके बारे में इन्फॉर्मेशन मैंने आप लोग को प्रोवाइड करा दी है कि क्या क्या है, पहले नंबर पर कौन सा है, दूसरे नंबर पर, इनको आप लोग वैसे भी याद रखेगा। जैसे आप लोगों ने मैंने आप लोगों को बताया था बेसिकली, जैसे सबसे टॉपर हमारे देश के अंदर में क्या आता है, भारत रत्न आता है, फिर पद्म विभूषण आता है, पद्म भूषण आता है, पद्म श्री आता है, तो उस तरीके से समझ सकते हैं, ठीक है। बाकी यहाँ पर इसके बारे में अदर अवार्ड के बारे में अगर आप लोगों से कोई बात करे तो सेना मेडल भी होते हैं, नियो सेना मेडल भी होते हैं और वायु सेना मेडल आप लोगों को देखने को मिलेगा। इसके बारे में भी यहाँ पर आर्टिकल के अंदर में मेंशन है, यानी कि आर्टिकल के अंदर में ये वाले अवार्ड भी आप लोगों को देखने को मिलेंगे दिए गए हैं। तो इनकी संख्या जो है वो काफी ज्यादा होती है, तो एटलीस्ट बस पता आप लोगों को होना चाहिए, कल को चलकर आप लोगों से कोई पूछ बैठे कि हाँ इस तरीके का कोई अवार्ड भी होता है तो आप लोग ऐसा ना लगे कि यार ये क्या बोल के चला गया, ठीक है। तो अभी यहाँ पर मैं आप लोगों को थोड़ा सा बता देता हूँ इसके बारे में भी, ताकि आप लोग यहाँ पर याद रखें कितने मेडल अभी इस कैटेगरी में भी दिए गए, तो इसलिए मैंने यहाँ पर इनके बारे में भी आप लोगों के लिए बातें दे दी। यहाँ पर सेना मेडल अब की बार जो दिए जा रहे हैं, यहाँ पर ये 64 सेना मेडल दिए जा रहे हैं, ये इसी पर्टिकुलर अनाउंसमेंट के अंदर में, यानी कि 64 सेना मेडल है जिनमें से दो पोस्टमसली यानी कि मरणोपरांत दिए गए जान जाने के बाद में। नियो सेना मेडल कितने हैं इसमें, 11 नियो सेना मेडल आप लोगों को देखने को मिलेंगे इसमें जो अभी ये अनाउंस किए गए हैं। और वायु सेना मेडल कितने हैं, वायु सेना मेडल आप लोगों को देखने को मिलेंगे 6 अवार्ड दिए गए हैं। अब इसमें कंफ्यूज मत होना, सेना मेडल जो है वो आर्मी के लिए दिए जाते हैं, यहाँ पर अदर अवार्ड कैटेगरी में नियो एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं, नाव बोल सकते हैं बेसिकली इसको, जैसे वो नाव होती है नेवी के लिए हो गया और वायु जो है वो एयरफोर्स के लिए हो गया। तो सेना मेडल, नाव सेना मेडल और वायु सेना मेडल, तो ये आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा क्योंकि ये भी अवार्ड दिए गए हैं, तो ये एक तरीके से अप्रिशिएट करने का एक आप लोग एक अप्रिशिएशन का टोकन आप लोग इसको बोल सकते हैं, जिससे कि यहाँ पर जब अवार्ड मिलता है तो अच्छा लगता है आप लोग। इसे आप लोग जैसे अगर जिस तरीके से आप लोग मेहनत करते हो, अपना रेगुलर आंसर देते हो, तो फिर आप लोग जैसे संडे के टाइम पर एक एसएलवी फैमिली मेंबर को टी शर्ट दी जाती है, तो क्या होता है उस टाइम पर, तो फीलिंग आती है कि वो एक अवार्ड है यहाँ पर, ठीक है। अभी यहाँ पर आप लोग देखोगे इसको यहाँ पर, तो ये अवार्ड से एक तरीके से इंसान को अचीवमेंट फील होता है, तो उसने लगता है कि यार हाँ इतने सारे लोग थे उनमें से मुझे यहाँ पर रिकॉग्नाइज किया गया, तो इंपोर्टेंस फील होती है अपनी जिंदगी की, अपनी लाइफ की। तो ये चीजें आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं, ठीक है। तो अच्छे से इंजॉय करिए इस चीज को, अपनी मेहनत को सही से लेकर चलिए और आंसर जरूर दिया कीजिए जो भी आप लोगों से क्वेश्चन पूछे आते हैं। मुझे भी अच्छा लगता है जब आप लोग पार्टिसिपेशन दिखाते हैं। तो ये दोनों के दोनों आर्टिकल जो है ये मिलते जुलते थे यहाँ पर, क्योंकि आगे जो कैप्टन साहब है जिनकी अभी यहाँ पर शहादत हुई है, इनको भी आगे कोई ना कोई मेडल जो है वो भारत सरकार जो है वो जरूर देगी इनमें से आने वाले टाइम में, तो आपको फिर से ये न्यूज में देखने को मिलेंगे। तो हल्का सा आइडिया इनके बारे में आप लोग जरूर रखिएगा, ठीक है। ये तो आप लोगों से डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है। और हाँ, आज 15 अगस्त है, तो आप लोग के जो कोर्सेज जो चल रहे हैं, जो उनपे आप लोगों को डिस्काउंट चल रहा है, तो उसमें कूपन कोड है SLV20, ठीक है, तो उसको आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं यहाँ पर। बाकी ये नए बैचेज है सारे जो भी आप लोगों के सामने है, यूपीएससी की क्लासेज चल रही है आप लोगों के लिए, तो आप लोग अपना अगर रियलिटी में सीरियस है तो इनके साथ में जरूर कनेक्ट करिएगा,
बाकी इसी के साथ में जैसे 7 स्टेट पीसेस की भी क्लासेस हैं आप लोगों के लिए, और इतने अफोर्डेबल प्राइस में है, इतनी क्वालिटी के साथ में है कि आप लोग ये कहोगे कि क्या कर दिया सर, वो वाली फीलिंग आप लोगों को आएगी, ये मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि इतने कम प्राइस में इस क्वालिटी के साथ में मटेरियल इस देश के अंदर में तो किसी की हिम्मत नहीं है देने की, ठीक है। तो इतना कॉन्फिडेंस है ये मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, इस प्राइस में इस क्वालिटी में पूरे देश के अंदर में कोई नहीं दे सकता आप लोगों को, ये मैं गारंटी दे रहा हूँ। और नहीं यकीन आ रहा है तो कनेक्ट करके देखेगा इसी के लिए, और इतना कॉन्फिडेंस भी है चीजों के ऊपर में। 7 दिन तक अपना रिफंड लेकर जाइए, अगर चीजें आप लोगों को पसंद नहीं आती है तो भी जाकर आप लोग चेक कर सकते हैं, ठीक है। बाकी एनसीईआरटी का क्लासेज है, एनसीईआरटी की टेस्ट सीरीज है, ये गलत है, यहाँ पर 70 नहीं है, फिर क्या है 100 से ज्यादा हो रही है भाई साहब, ठीक है। 100 टेस्ट सीरीज है, ओनली 499 में 100 से ज्यादा टेस्ट आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं, लगभग 4,500 के करीब क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं। तो इनको आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस करिए, इसमें रेगुलरली आप लोगों की टेस्ट सीरीज यहाँ पर जाती है, हर दिन आप लोगों की टेस्ट सीरीज देखने को मिलती है। आज है थर्सडे, तो जिस तरीके से तो आज आप लोग का इकोनॉमी का टेस्ट आप लोगों का देखने को मिल रहा है यहाँ पर, तो इनको आप लोग अच्छे से लेकर चल सकते हैं। एसएलवी एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा, सर्च कर प्ले स्टोर से, 4.9 रेटिंग है, तो वही एप्लीकेशन डाउनलोड करना और फिर जाकर एक नॉमिनल रजिस्ट्रेशन करना है और फिर चीजों को आगे स्टार्ट करना, ठीक है। तो ये थी बेसिक इन्फॉर्मेशन, आइए अब आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पर एक कंप्यूटर सर्टिफिकेशन का भी प्रोग्राम चल रहा है, अगर आप लोग एक छोटा सा सर्टिफिकेशन का प्रोग्राम लेना चाहते हैं, ये 6 महीने का कोर्स है लगभग आप लोग के लिए, तो एक तरीके से आप लोग के रिज्यूमे में ऐड करने के लिए काफी अच्छा रहेगा। अगर आप लोगों को कोई या जानने वाला कोई भी अगर चाहता है इसको कनेक्ट करना तो कनेक्ट कर सकता है, ठीक है।